हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आर एजुकेशन में। यहाँ पे डेली जॉब अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है, इसलिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज हम बात करें वेस्ट सेंट्रल रेलवे। हम आपको आगे अभी कट ऑफ दिखाएंगे कि क्या रहा था 2019 में और 20 में क्या रहेगा, उस बेस पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा आने का चांस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको दो नोटिफिकेशन जो हाल ही में ऑनलाइन चल रहा है भोपाल ही में इसी डिवीजन में, तो सोचे पहले हम आपको याद दिला दें, फिर से आपको कट ऑफ दिखाते हैं। देखिए, इसका जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 27/1/2020 से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट है आपका 26/2/2020। तो अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, अगर आप एनसीबीटी एससीबीटी दोनों से आते हैं, आपका 10th का परसेंटेज सही है, तो भी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्योंकि इस पर आपका ओनली 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही बनेगा मेरिट। आपको आईटीआई से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए अगर आपका अभी हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे उस बेस में आपका अगर आता है परसेंटेज, तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करिए। अगर आप एनसीबीटी एससीबीटी दोनों से हैं तो आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप ट्रेड देख सकते हैं, बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं, इनका नोटिफिकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होगा इसी नोटिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट कि आपको केवल 10 के जो आपके प्रतिशत है उसी के परसेंटेज के हिसाब से आपको मेरिट तैयार की जाएगी, इसमें आईटीआई से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए एक और नोटिफिकेशन है उसको दिखा के उसके बाद से हम आपको कट ऑफ दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, तभी आपको सभी डाउट और सवाल क्लियर होंगे। उसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिए, बिल्कुल हम आपको रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका अभी उसी का है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, ये भोपाल का, इसी का हम अभी आपको कट ऑफ दिखाएंगे 2019 में क्या था। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे इसका जो ऑनलाइन डेट स्टार्टिंग हो गया है 15/2020 से स्टार्ट हो गया है और 15/3/2020 तक चलेगा। अगर आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फिलअप कर दीजिए। इसमें भी अगर आप एनसीबीटी एससीबीटी से आते हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं, सीट इसमें करीब आपको 570 पोस्ट है, जो पिछले वाला था उसमें 200 कुछ पोस्ट था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटीआई, अगर आप एनसीबीटी एससीबीटी से हैं तो ऑनलाइन करिए। आप ट्रेड देख लीजिए, जिस ट्रेड से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है 10th परसेंटेज है, तो बिल्कुल आप लोग ऑनलाइन करिए। और नीचे आने के बाद से आप देख सकते हैं और भी ट्रेड दिए गए हैं सब, और नीचे और आइए देखिए, हम आपको दिखा देते हैं कि सिलेक्शन इसमें किस तरह होगा। देखिए, ये इसमें भी यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी आपको स्पष्ट लिखा गया है कि आपका जो 10th का परसेंटेज है उसी के मेरिट बेस के आधार पर आपको सिलेक्शन की जाएगी, इसमें आपका आईटीआई से कुछ लेना देना नहीं है। तो आपको हम अभी कट ऑफ दिखा दे रहे हैं, उसके बाद से आप समझ जाएंगे कि हाँ हमारा होने का चांस है कि नहीं है। 1-2% का इधर उधर होता है, बाकी कट ऑफ वही रहती है हर साल की। और नीचे आने के बाद से आप देख सकते हैं जो आपका इसमें फीस है, हम आपको बता दे रहे हैं अभी। तो इसमें जो जनरल और ओबीसी से आते हैं उनको 170 रुपये देना होगा, जो आपका 100 रुपये फीस है, और अलग से 70 रुपये चार्ज लिया जा रहा है जीएसटी चार्ज। तो इसमें आपको टोटल 170 रुपये, और जो एसटी एससी से आते हैं जो शारीरिक है महिलाओं के लिए, उनका फीस इसमें कोई भी नहीं लगने वाला है, उनको फ्री है। और हम बताते हैं आपको एक और बात बता दें कि बहुत लोग सोचते हैं कि फीमेल का सीट होता है या नहीं है। देखिए, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया जाता है कि इतना फीमेल का इतना मेल का है। तो आप लोग फीमेल्स अगर हैं तो आप लोग बिल्कुल अप्लाई करिए, आप लोगों का होने का चांस भी और भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बहुत इसमें नोटिफिकेशन में दिया नहीं रहता है, लेकिन जब आप ऑनलाइन करते समय जाएंगे तो आपका मेल और फीमेल दोनों का ऑप्शन आता है। बहुत सी लड़कियाँ सेलेक्ट भी होती हैं, हमने देखा बहुत सी लिस्टों में। तो आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन करिए। तो चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं कट ऑफ की तरफ। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे का है आपका, जो भोपाल में दोनों आया था उसी डिवीजन का, ये भी है पिछले साल का है, हम देख सकते हैं 7/3/2019 का है। तो इसमें हम आपको दिखा दें कि कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए, यहाँ पे नीचे आने के बाद से आपको दिए यहाँ पे दे दिया गया था आपका रिपोर्टिंग टाइम था, कब आपका जो लड़के सेलेक्ट हुए थे उनका रिपोर्टिंग टाइम था। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है शॉर्टलिस्ट सूची, तो इस यही कट ऑफ है आपका, ये आपका 10th का मार्कशीट का परसेंटेज है। जिन लोगों का 10th में इतना रिलेटेड आता है कैटेगरी वाइज, तो वो लोग फॉर्म फिलअप करना ना भूलें, बिल्कुल आप लोग फॉर्म फिलअप करिए। देखिए, यहाँ पे दिया गया है जो आपका यूआर होते हैं अनरिजर्व, उनका 85 है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी के लिए 84 है, एसटी के एससी के लिए यहाँ पे 82 है, यहाँ पे देख सकते हैं, और एससी एसटी के लिए यहाँ पे 79 है। और जो फिजिकली हैंडीकेप आते हैं, जो जो अलग अलग आते हैं, उन एक सर्विसमैन का यहाँ पे 60 है। तो इसी तरह एक सर्विसमैन वाले एक हैं हमारे भाई, वो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। तो देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया कि कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितना था पिछले साल, इस बार भी इसी मात्र 1-2% या सेम भी रह जाता है, यही कट ऑफ रहती है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप कट ऑफ अपने परसेंटेज के हिसाब से मिला लीजिए। अगर आपका इसके रिलेटेड आपका ओनली 10th का मार्कशीट के हिसाब से, अगर आप आईटीआई और 10th का जोड़ के इतना निकाल रहे हैं तो वैसे नहीं करना है, आपको केवल 10th का जो 10 का मार्कशीट परसेंटेज है उसका अगर इतना आता है तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस है। तो नीचे आने के बाद से हम आपको दिखा दे, देखिए जो थोड़ी ये बेंड है, तो यहाँ पर देखिए फीटर का देख लीजिए, फीटर का पहले आप यहाँ पर देख लीजिए जो दिया गया है,
यहाँ पे देख लिए ओबीसी का जो दिया गया है 91 है, 91 90 90, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कट ऑफ इतना ही गया है, ये ओबीसी के लिए है। और भी नीचे आने के बाद से हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो है आपका यहाँ पे 87 87 81, यहाँ पे ऐसे ही करके भी 86% ऐसे ही करके बना, ये फीटर का है। हर ट्रेड का अलग अलग बनता है, लेकिन ये जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो है, नॉर्मल जो दिखाया था अभी ऊपर आपका वो मिनिमम है, कम से कम है, ये अधिकतम है। जो ज़्यादा हाई आता है पहले तो उन लोगों का सिलेक्शन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो आपका हाईएस्ट परसेंटेज दिखाया जा रहा है, जो कट ऑफ है कम से कम वो जो आपको ऊपर दिखाएं वही कट ऑफ रहती है। तो आपको देख लीजिए ऐसे ही आपको आएगा, जब आपका लिस्ट आएगा नाम तो ऐसे ही आएगा। अगर हम अगले वीडियो में आपको जो हम ईस्ट सेंट्रल ईस्ट रेलवे का आया है अप्रेंटिस, उसमें भी हम आपको कट ऑफ दिखाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए यहाँ पर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।